अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। अच्छा, आज जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं वो कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वो कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। इस बंदे ने कौन कौन सी चीज़ें लर्न की, किस जनरेशन के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आई, ये सारी चीज़ों की हिस्ट्री जो है, जो जनरेशन हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। मैं ये तकरीबन 25 एमसीक्यूज है, लेकिन ये कम से कम कोई 100-150 एमसीक्यूज के बराबर है, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज जो डिस्कस किए हैं वो इस तरह से डिस्कस किए हैं, इस तरह से अरेंज किए हैं, इस तरह से प्लान किए हैं कि अगर देखें इस एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट जनरेशन है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की ड्यूरेशन लिखी हुई, मतलब फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1959 तक चली है, और इसकी जो एग्जाम्पल है, मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो यहाँ पे देखे मैंने लिखे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हर एमसीक्यूज की मैंने उसकी जो बायोग्राफी है, हर एमसीक्यूज की जो हिस्ट्री है वो मैंने साथ डिस्कस की हुई है। मीन ये एमसीक्यूज तो 25 है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसमें हिस्ट्री है, कंप्यूटर की हिस्ट्री है कि किस बंदे ने कौन कौन सी चीज़ें इन्वेंट की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो ये कहता है कि अ टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, अ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड। तो इसके स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजीज, जो हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर वगैरह चेंज होती हैं, तो मेजर चेंज आता है, तो वो एक जनरेशन को जाहिर करता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो जनरेशन होगा। जनरेशन के अंदर, हर जनरेशन के अंदर कोई नई चीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है कि द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी ना, फोर्थ जनरेशन का जो हमारे पास ड्यूरेशन है, फोर्थ जनरेशन का ड्यूरेशन है 1971 से लेके 1980 तक, तो इसमें VLSI यूज हुए, और VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हुए इसके अंदर। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, मीन IC जो यूज हुए हैं, ये फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज नहीं हुए, ये थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हो गए। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द जनरेशन बेस्ड ऑन द VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन है जो VLSI की बेस के ऊपर है। VLSI होता क्या है, ये आपके पास एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, ये इसका एब्रीवेशन है। अब इसका मैं मकसद समझाता हूँ। ये एक होती है चिप, चिप के ऊपर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर क्या किए जाते हैं, इसके ऊपर पेस्ट किए जाते हैं, थाउजेंड ऑफ द ट्रांजिस्टर एक चिप के ऊपर लगा दिए जाते हैं। और जो पहला VLSI बनाया गया था वो 1970 में बनाया गया था। जैसे 1970 में VLSI बना था, साथ ही 1971 से लेकर 1980 तक एक नई जनरेशन वजूद में आई। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 4 है, कहता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टेटेड विद यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट। तो ये पहली जो वैक्यूम ट्यूब बनाई गई थी प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, तो वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन के अंदर यूज की गई थी, जिसका मकसद ये होता था प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशंस करना। तो ये वैक्यूम ट्यूब काफी बड़ी बड़ी होती थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 1946 से लेकर 1959 तक जाती है। इसकी जो इस दौर में जो कंप्यूटर बनाए गए थे, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था वो था ENIAC था। फिर उसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर था EDVAC था, और फिर UNIVAC था, यूनिवर्सल एक्यूमुलेटर कंप्यूटर। तो ये यूनिवर्सल एक्यूमुलेटर कंप्यूटर एक न्यूमेरिकल कंप्यूटर था जो बड़े लेवल के ऊपर यूज हुआ। उसके बाद IBM 701 है, IBM 650 है, ये फर्स्ट जनरेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज नंबर 5, बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। जो बैच प्रोसेसिंग होती है ना, बैच प्रोसेसिंग ये होता है कि इसमें एक ही तरह की इनपुट्स होती हैं, इसमें एक ही तरह की प्रोसेसिंग होनी होती है, और ऑलमोस्ट एक ही तरह की इसमें आउटपुट जनरेट होनी होती है। तो इसमें तकरीबन इसका बैच से जाहिर होता है कि बहुत सारी आप क्या देते हो, सेम टाइप ऑफ इनपुट्स देते हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास पंच कार्ड है, पेपर टेप है, मैग्नेटिक टेप है, तो इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर। देखिए, पंच कार्ड के ऊपर भी एक ही तरह का तकरीबन डाटा होता था, पेपर टेप होती है इसके ऊपर भी एक तरह का डाटा सेव होता है। तो नेक्स्ट हम इसका जो फर्स्ट जनरेशन आएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है,
कहता है कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यूज कर रहे हैं आप। कहता है ब्लैंक स्पेस इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन द कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। कहता है कि इसके आंसर है एआई। एआई का मतलब ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की जनरेशन में यूज हो रही है। फिफ्थ जनरेशन के अंदर सबसे मेन चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको सिंपल अल्फाज के अंदर, कि हम ऐसी मशीन बिल्ड कर सकें, ऐसी मशीन बनाएं जो खुद से सोच सके, जो खुद से डिसीजंस मेकिंग कर सके, जो खुद से फैसले करने की काबिलियत रखती हो। ये ऐसी मशीन्स होती हैं जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम ऐसे कंप्यूटर्स बना रहे हैं जिस तरह रोबोट्स बना रहे हैं, जो खुद से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, खुद से वो डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन ये भी एक लिमिटेड डेवलपमेंट होती है। मतलब आप हर तरह से एक जो मशीन है उसको ह्यूमन लाइक तो नहीं बना सकते, हर एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो हम कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके हिसाब से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूएलएसआई। यूएलएसआई स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस किया था कि वीएलएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई में फर्क ये होता है कि वीएलएसआई यूज हुई है फोर्थ जनरेशन के अंदर और यूएलएसआई यूज हुई है फिफ्थ जनरेशन के अंदर। अब इसमें फर्क क्या होता है? अब जो VLSI होती है इसके ऊपर आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। मीन ऑलमोस्ट 5000 ट्रांजिस्टर हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जो यूएलएसआई है, यूएलएसआई के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें मिलियंस ऑफ द ट्रांजिस्टर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। मीन इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है आपके पास। कहता है कि विच जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर्स। कहता है कौन सी जनरेशन है जो ट्रांजिस्टर्स यूज करती थी। तो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज होता रहा। सेकंड जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो ये था कि 1959 से लेकर 1969 तक था। मतलब जो पहली जनरेशन थी वो 1946 से ऑनवर्ड 1959 तक थी, और जो सेकंड जनरेशन है वो 1959 से 1965 तक है। अब ट्रांजिस्टर बनाया किसने था, ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। ट्रांजिस्टर दो या तीन लोग थे, तीन साइंटिस्ट थे। सबसे पहले था जॉन बर्डीन था, विलियम शोकले था, वाल्टमर ब्रेटिन था। तो इन्होंने बेल लैब के अंदर बनाया था 1947 के अंदर। मतलब जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो तब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुआ था तो तब ये ट्रांजिस्टर्स बना रहे थे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें वो हमसे कितनी आगे हैं। हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं और वो ट्रांजिस्टर्स बना रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9 है। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज हुई है, ठीक है, उसका साइज बड़ा होता था, उसको बनाना भी मुश्किल होता था, ठीक है। दूसरी जो आपके पास जनरेशन है उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं, और जो थर्ड जनरेशन है उसके अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते हैं। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी यही होता है कि हम ट्रांजिस्टर्स को पेस्ट कर देते हैं एक चिप के ऊपर, वो एक आईसी सर्किट बन जाता है। लेकिन इसमें आप थोड़े ट्रांजिस्टर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर बनाया गया था, ये सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर बना था किबली ने बनाया था और रॉबर्ट नॉयस ने बनाया था। और कब बनाया था, 1959 के अंदर बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज इन फोर्थ जनरेशन कंपोनेंट कंप्यूटर, सॉरी। कहता है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर यूज करती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो फोर्थ जनरेशन है वो 1971 से लेकर 1980 तक है, और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था वो इंटेल वालों ने बनाया था, और वो उसका नाम था इंटेल 4004, और ये 4 बिट प्रोसेसर था, और ये 1971 के अंदर बना था। अब वीएलएसआई होता क्या, वीएलएसआई के ऊपर हम ये कर सकते हैं कि थाउजेंड ऑफ द ट्रांजिस्टर हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक चिप के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यूज एमसीक्यूज नंबर 11 है। कहता है कि ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द फर्स्ट जनरेशन। कहता है जो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती थी वो मशीन लैंग्वेज थी। सबसे पहले जो हमने कंप्यूटर बनाए थे वो मशीन लैंग्वेज को यूज करते थे। उस वक्त कोई हाई लेवल लैंग्वेज का वजूद नहीं था, कोई असेंबली लैंग्वेज उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज बनाई गई थी,
और ये जो मशीन लैंग्वेज बनाई गई थी, ये मशीन लैंग्वेज बनी थी, बनाई थी सर जॉन एम्ब्रोज ने, सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। और फ्लेमिंग का जो पीरियड था वो 1849 से लेके 1945 तक था, मतलब ये इसकी जिंदगी थी। कहता कि इसने जो पहला वैक्यूम ट्यूब बनाया था वो किसने बनाया था, सर जॉन एम्ब्रोज ने बनाया था। और जो पहला वैक्यूम ट्यूब इसने बनाया, और किस लिए बनाया था, ताकि हम उसको फर्स्ट जनरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकें। और फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे हैं, मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में जो हम इस्तेमाल करते रहे वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज थी। और जो असेंबली लैंग्वेज बनाई गई थी वो असेंबली लैंग्वेज, द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द डेविड जे व्हीलर। तो डेविड जे व्हीलर ने असेंबली लैंग्वेज बनाई थी 1949 के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है एमसीक्यू नंबर 13। कहता है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करता है। ये बहुत दफा एमसीक्यूज रिपीट हुआ हुआ है, ये बहुत दफा एमसीक्यूज आया हुआ है कि किस जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी। तो जो थर्ड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन के अंदर सबसे पहले फोर्ट्रॉन थी। सबसे पहले जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोमेरिकली बनी थी, जो यूज होती रही है, वो फोर्ट्रैन थी। फोर्ट्रैन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर आती है कोबोल आती है, फिर बेसिक आती है, फिर पास्कल आती है, फिर सी लैंग्वेज आती है, फिर अलगोल आती है। तो मतलब ये सारी लैंग्वेज मैंने लिख दिया था कि आप इनको अच्छी तरह मेमोराइज कर सकें, इसको क्रैम कर सकें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो थर्ड जनरेशन के अंदर इस्तेमाल होती रही है। फोर्ट्रैन लैंग्वेज ये ज्यादातर लैंग्वेज थी, इसकी स्पेसिफिकेशन ये थी कि ये हैंडल करती थी नंबर्स को। तो उसके बाद आ जाती है कोबोल लैंग्वेज। कोबोल लैंग्वेज है कॉमन बिजनेस लैंग्वेज थी आपके हमारे पास। इसके अंदर हम नंबर्स को भी डील करते थे, एज वेल एज अल्फाबेट्स को भी हमने इसके अंदर डील करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पास आती है बेसिक लैंग्वेज आती है। बेसिक जो लैंग्वेज थी ये जॉन कमिनी ने बनाई डेवेलप की थी। और जो बेसिक लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज बनाई गई थी। इसको हर यूजर बड़ा इजीली इसको क्या कर सकता था, अंडरस्टैंड कर सकता था इसको। ये इसकी जो लर्निंग थी वो बहुत इजी थी, इस वजह से ये पॉपुलर हुई थी उस टाइम। उसके बाद है पास्कल है, ये पास्कल ने बनाई थी लैंग्वेज। उसके बाद सी लैंग्वेज है, ये डेनिस रिची ने बनाई थी, 1971 के अंदर बनी थी ये लैंग्वेज। उसके बाद अलगोल है। तो ये सारी लैंग्वेज है जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, इनको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है हमारे पास 14, एमसीक्यू नंबर 14। कहता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कौन कौन सी है हमारे पास। कहता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास पर्ल आती है, पाइथन आती है, रूबी आती है, एसक्यूएल आती है, मैटलैब आती है। तो ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी हैं दो तीन, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। तो इसके अंदर जावा भी आती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो फोर्थ जनरेशन का जो ड्यूरेशन था, फोर्थ जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो 1971 से लेकर 1980 तक था। और फोर्थ जनरेशन के अंदर वीएलएसआई सर्किट से इस्तेमाल होते थे, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। वीएलएसआई क्या होता है, एक चिप होती है जिसके ऊपर हम थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय द चार्ल्स बैबेज। अच्छा, चार्ल्स बैबेज एक मैथमेटिशियन था, और ये 1791 के अंदर पैदा हुआ और 1871 के अंदर ये वफात पा गए। तो इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। ये चार्ल्स बैबेज से रिलेटेड एमसीक्यू जरूर आता है जब हिस्ट्री में इसे क्वेश्चन उठाता है। तो बैबेज एक मैथमेटिशियन था जिसने डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का आइडिया दिया था। इसने सबसे पहले 1930 के अंदर, सॉरी 1830 के अंदर ऑलमोस्ट इसने वर्किंग शुरू की थी एनालिटिकल इंजन के ऊपर। लेकिन वो 10 साल वो इसके ऊपर काम करता रहा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो चुका। फिर इसने एक डिफरेंस इंजन बनाया जो जो कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होने लगा। और आज तक हम जितने भी कंप्यूटर बना रहे हैं ये इसी की डिफरेंस इंजन की बेस के ऊपर हम बना रहे हैं। तो इस वजह से इसको बैबेज, चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। इसने डिजिटल कंप्यूटर का आइडिया दिया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 16 है, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस। तो हमारे पास जो सबसे पहली डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस है वो आती है एनईए आती है। एनईए एक एब्रीवेशन है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर।
तो ये मैंने एब्रीवेशन लिखा हुआ यहाँ पे NIA का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद अब इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था जॉन एकर्ट था, जॉन विलियम मार्शले था और उसकी टीम थी, मोरे स्कूल के अंदर वो काम कर रहे थे, ठीक है, मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया का, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था जहां पर इसको बनाया गया था। और जो इलेक्ट्रॉन इसकी जो इसको इसके ऊपर जो काम हुआ वो 1943 से लेकर 1946, ये 3 सालों के अंदर बना है, 1943 से लेकर 1946 के अंदर इसको डेवलप किया गया इस कंप्यूटर को। उसके बाद आता है कि विच वाज द फर्स्ट कोमेरिकल कंप्यूटर, मतलब कोमेरिकल मतलब जो तजारती लेवल के ऊपर यूज होता रहा, जो हम बड़े स्केल के ऊपर जिसको हम इस्तेमाल करते रहे, मतलब जिससे जिसके थ्रू हमने बिजनेस करना शुरू किया, तो वो हमारे आपके पास आता है यूनीएक आता है। यूनीएक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 के अंदर बना है और ये कोमेरिकली फर्स्ट कंप्यूटर था जो इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास हु इन्वेंट द पंच कार्ड। पंच कार्ड जो बनाया गया था ये सबसे पहले 1750 के अंदर बनाया गया था, और ये टेक्सटाइल लूम्स होती थी, मतलब टेक्सटाइल कपड़े की ना वो जो लूमें होती हैं उसके अंदर यूज होता था। लेकिन फिर हरमन होलरिथ ने 1890 के अंदर, मतलब 1890 के अंदर इसको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब कंप्यूटर को इनपुट, कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर की आउटपुट लेने के लिए। ये एक इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कहता है पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ द स्टिफ पेपर, ये एक सख्त किस्म का पेपर होता था जिसके ऊपर जो कंटेन डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द होल इन द प्री डिफाइंड पोजिशन, कहता है प्री डिफाइंड पोजिशन के ऊपर होल्स बनाए जाते थे और उनकी बेस के ऊपर कंप्यूटर को हम क्या करते थे, इनपुट देते थे। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज आता है, 19 एमसीक्यूज है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर यूज, सॉरी विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज इन द फर्स्ट जनरेशन, कहते हैं जो पहली जनरेशन के अंदर कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है वो वैक्यूम ट्यूब थी, और वैक्यूम ट्यूब को जो सबसे पहले बनाया था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने बनाया था। किसने बनाया था, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने बनाया था और 1904 के अंदर बनाया था। वैक्यूम ट्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वैक्यूम ट्यूब एक तो साइज के अंदर बहुत बड़ी होती थी, यही वजह है कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था, और दूसरा ये था कि इनको बनाने के लिए एक्सपर्ट्स लोगों की जरूरत होती थी। जाहिर सी बात है अगर हमें एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है तो हमें उनको पे भी ज्यादा करना पड़ता था, मतलब वो एक्सपेंसिव होती थी। दूसरा ये होता था कि ये हीट बहुत जल्दी हो जाती थी, हीटअप हो जाती थी, जैसे जब ये हीटअप हो जाती थी तो ये बर्न हो जाती थी, मतलब खराब हो जाती थी, तो ये कॉस्टली थी, बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। फिर इनको ठंडा रखने के लिए, इनको कूल्ड रखने के लिए एसी लगाए जाते थे, कमरों को ठंडा रख, जाहिर सी बात है इतना बड़ा कंप्यूटर होता था तो इसको कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स को ठंडा करने के लिए एसी लगाए जाते थे, तो यही रीजन है कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब के बहुत सारे और भी नाम है, कहता है कि इसको थर्मियोनिक वॉल्व भी कहते हैं, वैक्यूम डायोड भी कहते हैं, किनोट्रॉन भी कहते हैं, थर्मियोनिक ट्यूब कहते हैं, इसको फ्लेमिंग वॉल्व भी कहते हैं, तो ये इसके बहुत सारे नाम है, इनमें से कोई भी देख के आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। एमसीक्यूज नंबर 20 है, कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, कहते हैं कि जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो सेकंड जनरेशन जो आपके सेकंड जनरेशन की जो ड्यूरेशन थी वो 1959 से लेकर 1965 तक जाती है। इसके अंदर जो कंप्यूटर डेवलप किए गए थे उनमें सबसे पहले IBM 1620 है, IBM 7094 है, CDC 1604 है, CDC 3600 है, UNIVAC है 1108। तो ये सारे कंप्यूटर हैं जो सेकंड जनरेशन के अंदर बनाए गए, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें ताकि आपको पता हो कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं। फिर आता है आपके पास एमसीक्यू नंबर 21, एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज, थर्ड जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो थे IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज थी, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370, 168, तो ये सारे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के अंदर बनाए गए थे। थर्ड जनरेशन के अंदर पहली दफ़ा हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। थर्ड जनरेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1965 से लेकर 1971 तक जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुई थी। इसके अंदर फर्स्ट टाइम सेमीकंडक्टर मेमोरी इस्तेमाल की गई थी।
तो कंप्यूटर की स्पीड के अंदर थर्ड जनरेशन के अंदर एक वाजिया जो स्पीड थी वो इसके अंदर इसकी बढ़ाई गई थी थर्ड जनरेशन के अंदर, और इसकी मेमोरी स्टोरेज भी बढ़ाई गई थी। एमसीक्यूज नंबर 22 है, कहता है एग्जांपल्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज दिस। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास है स्टार 1000 है, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर है, DEC 10 है, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर 11 है, क्रे 1 है। वो तो ये सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसके अंदर भी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, उसको इम्प्रूव किया गया, बहुत सारी और हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद, जिसमें रूबी ऑन रेल है और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस है। डेटाबेस इम्प्रूव की गई, सेमीकंडक्टर मेमोरी इम्प्रूव की गई। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है 23, द फर्स्ट कमेरिकली अवेलेबल हाई लेवल लैंग्वेज। कहता जो सबसे पहली लैंग्वेज थी ना हाई लेवल लैंग्वेज जो 1956 के अंदर डेवलप हुई थी वो थी फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके अंदर ज्यादातर हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। उसके बाद कोबोल आती है, बेसिक आती है, ये सारी बाद में डेवलप होती है, लेकिन ये कुमेरिकली सबसे पहले इस्तेमाल हुई लैंग्वेज। लेकिन जो सबसे पहली लैंग्वेज थी जो कुमेरिकली यूज तो ना हो सकी, लेकिन जो सबसे पहली लैंग्वेज थी ऑफिशियली, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर वाज प्लैंक, प्लैंकल कुल। और ये जो डेवलप की गई थी ये कॉनराड ज्यूस ने बनाई थी। किसने बनाई थी? कॉनराड ज्यूस ने। और ये 1943 और 1955 के दरमियान में बनी है ये वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक एमसीक्यूज है, इसका आंसर आपने सर्च करना है। ये मेरा ख्याल है शायद गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी डाउट है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दूंगा आपको कि ये ओल्डेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है एमसीक्यूज नंबर 24 है, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। आपके पास फादर ऑफ इंटरनेट कौन था? तो ये विंटन ग्रे सर्फ था जिसने इंटरनेट के ऊपर काम किया, जो फादर समझा जाता है इंटरनेट का। कहता है कि इसका काम क्या था, कहता है फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट केम इन द लेट 1960। 1960 के अंदर पहली दफा इंटरनेट आया था विद द क्रिएशन ऑफ आर्पानेट। ये आर्पानेट एक इदारा था, डिफेंस मिलिट्री का इदारा था यूएसए के अंदर। इसका एब्रीवेशन होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो फादर ऑफ इंटरनेट विंटन ग्रे सर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 25, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु इन्वेंटेड द WWW मीन वेबसाइट्स। किसने इन्वेंट की थी, मतलब सबसे पहले वेबसाइट्स के ऊपर किसने काम किया था? तो ये टिम बर्नर ली है। ये एफपीएससी के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि WWW किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। कहता है कि फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट केम इन द लेट 1960। सॉरी ये से रिलेटेड नहीं है। तो टिम बर्नर था जिसने सबसे पहले जो WWW वेबसाइट्स के ऊपर इसने काम किया था, ठीक है। तो गाइस अगर किसी एमसीक्यूज की आपको समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।